आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आज हम तैयार करेंगे चिकन स्ट्यू। बहुत लजीज है। मैं आपको बताऊंगी कि बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी कैसे है ये, क्या खास बात है इस चिकन स्ट्यू में, जिसको कि हम बिल्कुल ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल तरीके से इसको तैयार करेंगे। तो आप मेरे तरीके से बनाइएगा और आगे शेयर कीजिएगा। चिकन स्ट्यू के आप इंग्रेडिएंट देख लीजिए। 5 मैंने प्याज ले लिए। 500 ग्राम में चिकन ले रही हूँ, तो उसके हिसाब से आप 400 450 प्याज ले लीजिएगा। तो अंदाजे में ये 4 से 5 प्याज को मैंने कट कर लिया। ज़्यादातर जो मसाले हैं इसमें खड़े ही होते हैं। तो एक बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 10-12 काली मिर्च है और 6-7 मैंने लौंग ली हैं। खड़े मसाले और जो मैंने लिए हैं, लहसुन को इस तरह से पतला पतला काट लिया है, 7-8 कलियाँ थी। अदरक को जुलियंस कर लिए हैं पतला पतला। 5 हरी मिर्च को टुकड़ों में काट लिया है, उस तरह साबुत लाल मिर्च को टुकड़ों में काट लिया है। ये 1/2 टीस्पून लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें अदरवाइज छोड़ सकते हैं। 2 चुटकी हल्दी है, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, भुना हुआ जीरा, नमक अपने जायके के हिसाब से ले लीजिए। ओरिजिनल स्टू होता है उसमें खड़े मसाले डलते हैं सारे, लहसुन अदरक से लेके हरी मिर्च, खड़े मसाले, दही टमाटर नहीं डलता है, लेकिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा उसको हम कस्टमाइज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा हम दही इस्तेमाल करेंगे इसलिए। तो कुकिंग स्टार्ट कर, तो इसे हम सरसों के तेल में तैयार करेंगे। आप इसको रिफाइंड में भी बना सकते हैं। 1/2 के आसपास मैंने इसमें ऑयल डाला है, क्योंकि प्याज है इसलिए उतनी हमें ऑयल लगेगा। तेल गर्म हो गया है, सबसे पहले इसमें हम प्याज डाल देते हैं। प्याज को तब तक पकाएंगे कि जब तक कि थोड़ी सी भुज नहीं जाती, ब्राउन नहीं करेंगे बिल्कुल, थोड़ा सा कम हो जाए, भुज जाए, तो 4 से 5 मिनट लगेगा। तो फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ। प्याज जो है आप देख सकते हैं कि भुज गई है। अब इसमें मैं चिकन डाल रही हूँ और पहले 2-3 मिनट चिकन के साथ और प्याज के साथ भून लेते हैं। इसकी जो है भुनाई होती है, इसको जो है कुछ लोग जो है जल्दी बनाना होता है तो कुकर में तैयार कर लेते हैं, लेकिन स्ट्यू का मतलब ही यही है कि उसको स्लो कुकिंग में पकाना है, ग्रेवी ठीक रहती है। ओरिजिनल रेसिपी में यही है जो ऑथेंटिक रेसिपी है। कोई भी मीट हो उसके साथ सब्जियां भी डाल सकते हैं स्ट्यू में। स्लो कुकिंग विद थिक ग्रेवी, यही है मेन स्ट्यू। और सारे उसमें ज़्यादातर उस मसाले खड़े डलते हैं। ये जो कश्मीरी लाल मिर्च में डाल रही हूँ ऑप्शनल है, जो लाल मिर्च डाल रही हूँ वो भी ऑप्शनल है। इसमें खड़े मसाले जो हैं लाल मिर्च हरी मिर्च वही ज़्यादा डलती है, लेकिन क्योंकि बच्चे हैं घर में उनके मुंह में ज़्यादा ये सब मसाले आते हैं खड़े, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लिया। लेकिन मैं आपको साथ साथ बता ही जाऊँगी कि ऑथेंटिक रेसिपी में क्या क्या डिफरेंस है और हम मेरी इस रेसिपी में। छोड़ देते हैं इसको मीडियम फ्लेम पर। अब ये सारे खड़े मसाले डाल देते हैं। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं, बाद में पाउडर स्पाइसेस डालेंगे। इसको इतनी भुनाई होती है कि इसको भूनते भूनते ही इसमें कलर आ जाता है। इसमें अलग से कश्मीरी लाल मिर्च या नॉर्मल लाल मिर्च डालने की ज़रूरत ही नहीं होती है। हल्की आंच पे बस भूनेंगे तो अपना आप अच्छा सा कलर आएगा। सारे पाउडर मसाले भी डाल देती हूँ और इसको भी मिक्स कर देंगे। अब बस इसको हम ढक के लो फ्लेम पर छोड़ देंगे, बीच बीच में इसको जलाते रहेंगे। बहुत ही आसान है इसको बनाना। आप मेरे चैनल पे सारी नॉन वेज रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं, हर तरह की आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। कोरमा, बिरयानी, बिहार की ख़ास रेसिपीज़ हैं, दिल्ली की ख़ास रेसिपीज़ हैं, इफ्तार से रिलेटेड, सुहूर से रिलेटेड काफ़ी रेसिपीज़ हैं, डेजर्ट्स हैं। तो अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप पानी डाल दीजिएगा, अभी मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। पहले 5 मिनट इसको ऐसे ही पकने देते हैं लो फ्लेम पे। इसको मैंने ढक दिया है, मैं आपको 5 मिनट में दिखाती हूँ। देख लेते हैं, 5-7 मिनट हो चुके हैं। आप देखें अभी से कितना अच्छा कलर आ गया है, जबकि अभी कुछ भी नहीं हुआ है इसमें। इसमें तेल भी है, पानी भी है अभी। अब इसके अंदर हम दही डाल देते हैं, दही भी ऑप्शनल है, दही टमाटर बिल्कुल इसमें ऑप्शनल है, लेकिन हम डाल दे रहे हैं। फेटा हुआ दही है ये, अब इसको चला देते हैं। अगर आपको बीच में लगे कि पानी कम हो गया है और अभी गला भी नहीं है, तो आप उस टाइम पे पानी डाल सकते हैं। लगातार इसको मैं लो फ्लेम पे चला रही हूँ, जल्दबाजी में फटाफट वाले में इसका मज़ा नहीं आएगा, वो रंग नहीं आएगा, वो रौनक नहीं आएगी, वो लज्जत नहीं आएगी। तो बस अब इसको मैं दोबारा ढक देती हूँ, अभी इसमें इनफ पानी है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने इसमें 2-3 चम्मच पानी डाला है, दही ने पानी छोड़ा है और 2-3 चम्मच मैंने और डाल दिया है इसको गलाने के लिए। मैं दोबारा से इसको ढक देती हूँ
तो आपको मैं 10 मिनट में दिखाती हूँ। तो आप देखिए 10 मिनट बाद इसका कंडीशन ऐसा हो गया है, बिल्कुल तैयार है ये। अब आप इसमें चाहें तो, इसकी ग्रेवी थिक ही रहती है, आप चाहें तो अपने घर के हिसाब से जिस तरह से खाया जाता है आप इसमें पानी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। तो हमारा लजीज चिकन स्ट्यू बिल्कुल तैयार है। आप बनाइएगा मेरे तरीके से, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप बच्चों को खड़े मसाले इस तरह से पसंद नहीं है, लहसुन अदरक, तो आप पिसा हुआ डाल सकते हैं। खड़े मसाले भी अगर उस तरह से पसंद नहीं है बच्चों को, तो आप उन्हीं मसालों को भून के थोड़ा सा उसको पीस लीजिएगा तो वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों के मुंह में खड़े मसाले नहीं आएंगे। तो बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ। तो लजीज चिकन स्ट्यू बिल्कुल तैयार हो गया, आप देखें कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, देखते रहिए शैला आज़ दस्तरखान।